अरे कहाँ हो भाई साहब? बाहर खड़ा हूँ घर के यार, कहाँ हो? अरे एक एक इधर चूतिया कोई बात तो कर रहा है फोन पर। अरे मैं ही हूँ भाई साहब। अरे माफ करना भाई साहब, वो क्या है आपने मास्क लगा रखा था ना, इसलिए पहचान नहीं। बीच वाले स्टैंड पे लगाना, बच्चे घूमते रहते हैं, गिरा देंगे। मटके का लाए हो ना, अगली बार आऊंगा ना तो मेरा दावा है कि फ्रिज से बोतल निकाल कर लाओगे, वो भी एकदम चिल्ड। तो डॉक्यूमेंट दिखाना तुम्हें। फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा, एक नंबर। लेकिन काम क्या रहेगा? काम कुछ भी नहीं है अपनी कंपनी में। अगर आपने अपनी कंपनी में 5 महीने काम कर लिया ना, तो समझो खुद की फॉर्मूला खरीद लोगे। आपको कितना टाइम हो गया काम करते? मुझे तो इस महीने पूरा 1.5 साल हो जाएगा अपनी कंपनी में। अरे काम किया है कितना है मैंने, पिछले 2 महीने से तो मैं स्टडी में बिजी है ना, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ ना साथ साथ में। वैसे एक बात बताऊं, अपनी कंपनी में पैसा बहुत है। लेकिन काम क्या रहेगा? काम कुछ नहीं करना, अपनी कंपनी आपको करोड़पति बना देगी। रुको, ये देखो, ये विनोद सर हैं, डायमंड पोजीशन पर हैं, आज 2-2 मर्सिडीज इनके पास। इधर देखो, और ये देखो, ये सतीश जी हैं, प्लेटिनम पोजीशन पर हैं। पबजी में? अरे पबजी में नहीं, अपनी कंपनी में। ऐसे आपको करना कुछ नहीं है। फिर ठीक है, सुनो, जैसे मैं आपके पास आया हूँ ना, वैसे ही आपको भी लोगों के पास जाना है और अपनी कंपनी के बारे में बताना। जैसे कोई बंदा ज्वाइन करेगा, 3,000 का चेक। जितने बंदे तुम्हारी तरफ से ज्वाइन करेंगे, सबके 3,000-3,000 रुपये का चेक। अरे यू चेक उठाओगे यू? हम देखे थे जय वो पिक्चर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। सलमान खान भाई साहब करते हैं ऐसे चेन सिस्टम। हाँ सही कहा तुमने। अब कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? अभी से, आज से, अभी फॉर्म भरो, 8,000 जमा कराओ और काम शुरू। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे किसी से उधार ले लो, 3 चेक आने के बाद तो मुंह पे मार देना, मेरा मतलब है कि चुका देना। ठीक है, करते हैं भैया से बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो चेक उठाने हैं ना है? तो मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग पक्की समझूं? हाँ ठीक है। अच्छा आपकी कंपनी का नाम क्या है? अरे इतनी देर से बोल तो रहा हूँ, अपनी कंपनी अपनी कंपनी अपनी कंपनी, यही तो नाम है अपनी कंपनी। और हाँ, वो BMW मर्सिडीज भूलना मत है, वो जरा धक्का लगा दो क्या? Come in. Sunny. नहीं सर, अजय शर्मा। अरे बाबा हाथों को सैनिटाइजर कर लो, हमने सैनिटाइजर का शॉर्ट फॉर्म रखा है सैनी सैनिटाइजर। जी सर। Tell me about yourself. Sir, my name is Ajay Sharma. My father name is Suresh Sharma. Are you sure father's name Suresh Sharma है? Sir, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? तो बेटी जो फिर ये CV में दिलीप क्यों लिखा हुआ है? नहीं सर। बस
मार रहे ना कॉपी पेस्ट साले, तुम लोगों की वजह से रिज्यूम का नाम सीवी पड़ा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस पेलते रहो। अच्छा एक बताओ, लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? सर रेस 3। स्टोरी बताओ। स्टोरी भाइयों इधर से कूदे थे, फिर उधर कूदे थे, फिर उधर छलांग लगाई, फिर गिटार हो जाया, फिर फिजिक्स की माँ मैंने करी। सर स्टोरी तो नहीं थी फिल्म में। ये बॉलीवुड में ना जी, वीकनेस में क्या लिखा हुआ आलिया भट्ट, ये भी कॉपी पेस्ट किया है क्या? नहीं सर, ये तो मैंने खुद लिखा है। और ये स्ट्रेंथ में क्या बकचोदी पेल रखी है कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखने के बाद कुछ भी कर दूंगा? ये सीवी में से गांजी की स्मेल क्यों आ रही है? किसका माल ले रहा है? अरे अरे नहीं सर, ये तो मेरा फ्रेंड है, वो क्रश करता रहता है। एक काम कर, खड़ा कर, मेरा मतलब खड़ा हो और निकल दोस्त को भी। चल प्लीज नौकरी पे रख लीजिए सर। क्यों रख ले सर? गरीब की दुआ लगेगी सर। चोरी बंद करो, निकल, बता दूंगा बात। नाइस टाइट। इंटरव्यू नहीं, माता के जगराते की रसीद कटवाने आया हूँ यहाँ पर। ओ जय माता दी। क्या लग रहा है, चंदा मिल पाएगा इसको? शट अप भाई। चंदा, जय माता दी। अपना टाइम आ गया। भाई तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो। बैठो। सर इधर से। तुम्हारी ग्रेस देखकर तो ये नहीं लगता कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लायक हो। फिर हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? अरे घर के पास है इसलिए। सिर्फ यही रीजन? हाँ, जो पहले जो कंपनी थी ना वो बहुत दूर थी, 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता था एक दिन का मेरे कलीग का। ये वीकनेस में क्या लिखा है तुमने? चिल्ड बियर विद रोस्टेड चिकन पुदीना चटनी। अरे सर मजा ही आ गया, क्या बोल दिया। हाँ, पानी आ गया सर। कहाँ से पानी आ गया? अरे मुंह में पानी आ गया सर। आर यू कंफर्ट विद इंग्लिश? श्योर। और ब्रिटिश एक्सेंट? श्योर। एक लाइन ब्रिटिश एक्सेंट में बोल के बताओ। अगर तुम मैच हारता है तो तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। अरे ओ देवता, ये कंपनी के ऑनर के लिए इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं, समझे? खैर, टेल मी समथिंग जो तुम्हारे रिज्यूम में मेंशन ना हो। मेरी जांग पे बाल तोड़ हो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? वो आप कर रहे हैं। मैं चूते नहीं हूँ, रात भर जाके मैंने रिज्यूम सेट किया है। पर तुम तो ग्रेस की बात छोड़ ही दो, एचआर में हो तुम कॉम साइंस वाले। तुम्हारी पूरी जिंदगी रंगोली बनाते बनाते और 30 मिनट्स का मेन्यू सेट करते करते निकल जाती है। पास छोड़ दो मेरे सामने। फेयरवेल की पार्टी का आधा पैसा तुम खा जाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पूरी कंपनी की दीवारें तुमने डबल टेप से खराब कर रखी है। चुपका चुपका एक पीएफ फॉर्म पे साइन करने के लिए तुम्हारे ऑफिस के 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुम्हारे कॉलर का बटन खुला हुआ है, सूट पॉलिश नहीं हो रहे, टाई अमेरिकन पैटर्न में क्यों नहीं बांधा? अरे मेरी टाई में कैसे बांधू तुम्हें? क्या
कंपनी की हेयरिंग के नाम पे तो अपने पूरे रिश्तेदारों को भर लेते हो, मतलब पियोन तक तुम्हारा दूर का रिश्तेदार निकलता है। और ये क्या बकचोदी, तुम्हारी सारा इंटरव्यू होने के बाद तुम लास्ट में बोलते हो वी विल लेट यू नो अबाउट इट। इस चक्कर में उल्टी सीधे कंपनी के फोन उठाने पड़ते हैं कहीं एचआर का फोन ना हो। साला उम्मीद करते हैं कि कोई कॉल आएगा और बोलेगा कि सर कितनी सैलरी लोगे, वो भैंसद बोलता है बताओ सर कितना लोन लोगे। हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा निबंध लिखा है, कम से कम जॉब तो दे ही सकते हो। पूरी जिंदगी में आज ये पता चला है कि मर्डर करना कितना आसान हो सकता है। अगर मेरे पास ये प्रकार हो तेरी गर्दन में घुसा देता और तेरी कहानी अभी के अभी खत्म कर देता। इसका मतलब मैं ना समझूं? डायरेक्ट ऑफिस से निकल ले। निकल। अब मुझे हल्के में ले लो। अरे मैं तुझे कहीं भी नहीं ले रहा हूं, निकल जा। आओ। मुझे लेने के फायदे समझा रहा हूं मैं आपको। क्या अभी कोई दूसरा बंदा आएगा फिर उससे पूछोगे हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पहले कहाँ काम करते थे, कितनी सैलरी लोगे? अबे साले मरना चाहता है क्या मेरे हाथ से? सिक्योरिटी निकल।